पदवंतपुर क्षेत्र संख्या 8 की पंचायत समिति सदस्य ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। खुदावंतपुर थाना क्षेत्र 8 की पंचायत समिति सदस्य मालती देवी ने अपने आवास पर निजी कोष से दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इसकी जानकारी देते हुए नटेश आयुष क्लिनिक चकवा के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए अत्यंत ही गरीब, वृद्ध, निसहाय दिव्यांग जनों को निजी कोष से दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मौके पर माली नेता अवधेश कुमार, आईसा जिला उपाध्यक्ष समीर राज, प्रखंड अध्यक्ष एहतेशाम आजाद, सचिव असीमानंद, समाजसेवी वरुण कुमार, कुंदन कुमार, सचिन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। खुदावंतपुर से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। जो आप कंबल वितरण किए हैं, किसके उपलब्ध में किए हैं, ये अपेक्षा में आपका क्या इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है? मेरा कोई स्वार्थ छिपा नहीं हुआ है, मेरा स्वार्थ तो पूर्ति हो ही गया है। एक इलेक्शन जो हम लोग जीते, पंचायत समिति की पत्नी को जिताए, तो जनता का दर्द था ठंड के देखते हुए जी जी। इस साल अत्यधिक ठंड होने के कारण मेरा मन आया कि कुछ लोगों को सहयोग किया जाए, इसी लेकर और विशेष कोई स्वार्थ नहीं छुपा। जैसे यहाँ पे देखने को मिला है सबसे ज्यादा, मतलब आप लोग जो मतलब सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति है उनको ढूंढ ढूंढ के आपने कंबल दिया, जो गरीब और निसहाय लोग थे उनको हमने सहयोग किया। इसमें तो आपका मतलब जहाँ तक हो मनोबल और बढ़ेगा आगे? हाँ, कहन बढ़ेगा, यही आदमी हमको शिखर पर ले जाएंगे या गर्त में मिला सकते हैं, तो फिर इनको कैसे छोड़ दे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार, पंचायत समिति के पति। कौन सा गांव हुआ? चकवा फफोत पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 13। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।